दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में दिल्ली के सदर बाजार में नॉर्थ दिल्ली एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने मिलकर मास्क बैंक का उद्घाटन किया है। देखिए, सदर बाजार हमारा हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ हजारों लाखों की संख्या में दुकानदार, हमारे मजदूर, ग्राहक यहाँ आते हैं। उन लोगों को अवेयर करने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी है, इसलिए हमने मास्क बैंक बनाया है। जिसका भी गलती से घर पर मास्क रह गया, गिर गया, तो वो 2000 का चालान ना कटवाए। हम कह रहे हैं मास्क लेके जाओ, अवेयर करना है लोगों को, जागृत करना है, पनिश नहीं करना। गरीब आदमी जो 200 रुपए कमाता है वो 2000 कहाँ से देगा। सरकार का काम है व्यवस्था को खड़ा करना, इसलिए आज नगर निगम और दिल्ली पुलिस ने इस बड़े व्यापारिक केंद्र में ये मास्क बैंक बनाकर के एक व्यवस्था खड़ी की है। जिनको भी मास्क की जरूरत है हमारे बैंक से वो मास्क ले सकता है। ये कब तक चलता रहेगा? ये लगातार जब तक कोविड काल रहेगा हम इस मास्क बैंक को बनाकर रखेंगे। जब तक मास्क लगाना जरूरी है तब तक हम मास्क वितरित करते रहेंगे और वो भी निःशुल्क। दरअसल दिल्ली में कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है और दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना रखा है। सदर बाजार एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ हर वर्ग के लोग सामान लेने आते हैं, जिसके चलते सबसे ज्यादा भीड़ भी इसी बाजार में रहती है। यही बात ध्यान में रखते हुए यहाँ मास्क बैंक लगाया गया है, जहाँ निःशुल्क मास्क उपलब्ध होगा और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कोरोना काल खत्म नहीं हो जाता। इस मौके पर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी भी मौजूद रहे, जिन्होंने एमसीडी के अधिकारी के साथ मिलकर इस मास्क बैंक का उद्घाटन किया है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, दिल्ली।